अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। किसानों की खुशहाली में ही मुल्क व रियासत की तरक्की मुजमी। मोदी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा। मार्केट यार्ड कमेटी की खबरदारी तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम का किया आगाज। मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लेने की शहरियों से की ख्वाहिश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने सूती आलूदगी की खुद 100 नंबर डायल करके की शिकायत। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर इसके खिलाफ किया मामला दर्ज। हिंदुस्तान की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने दौलत मुश्तरका खेलों में जीता चांदी का तमगा। सदर जमहूरिया मरमू वजीर आजम मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में चांदी का तमगा जीतने पर दी मुबारकबाद। दुनिया में आयुष मसनूआत की मांग बढ़ रही है। हिंदुस्तानी खिलौनों की बरामदात में इजाफा हो रहा है। महानमन के बाद प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। ईडी के एहलकार पहुंचे संजय रावत के घर। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की कर रही है जांच। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत का फैसला। और अब खबरों की तफसील। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और रुकन असेंबली देवरा कदरा आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने जिला वनपर्ती के हल्के असेंबली देवरा कदरा के मदनापुरम मंडल हेडक्वार्टर्स में मार्केट यार्ड कमेटी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस इजलास में मौजूद तमाम किसान हैं और अगर तमाम किसान खुशहाल होंगे तो ही मुल्क और रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में मुनाफे के बाद ही दूसरी चीजों में सरमायाकारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की खुवत खरीदने में इजाफा हुआ है और तेलंगाना मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए मुस्तहकम हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को सिवाय कारोबार के ज़राअत के बारे में कुछ नहीं मालूम और वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही हैं और 35 लाख एकड़ अराजी पर मुश्तमिल पालामुरु को सिर्फ 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए पानी दिया है। इस मौके पर मुकामी डीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तदाद ने शिरकत की। మహారాపురం పాలకవర్గ సభ్యులు అధ్యక్షులు సోదరులు శ్రవణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉపాధ్యక్షులు యాదగిరి మరియు అందరూ డైరెక్టర్లు మీడియా మిత్రులు వచ్చినటువంటి రైతు సోదరులకు రైతు సోదరులకు అందరికీ నేను చేతులెత్తి పేరు పేర నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। బాధ్యతలు తీసుకున్న సందర్భంగా అనేక మంది రైతుల యొక్క శుభాభినందనలు ఆశీర్వాదాలు అందుకొని వ్యవసాయ పాలక మండలి మార్కెట్ కమిటీ పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరి ముందర వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకొని మేము కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పడానికి మీటింగ్ జరగడం జరిగింది। మీరందరూ కూడా దాదాపు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళలో 90% మంది వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి కుటుంబాల వాళ్ళే ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా। అది లేకపోతే బతుకు జరగలేదు లేదు మాకు। అది ఉంటేనే ఇంకా ఎవరైనా బతికే అదొక్కటి బాగుంటేనే ఇంకా అన్ని పనులు నడుస్తాయి। చేరికే కూలి పనో చేసుకోవడానికి భూ పనో ఇంకో పనో ఇంకో పనో ఉంటేనే మిగతా అన్ని రకాల పనులు నడుస్తాయి। దాని మీద ఆధారపడే పట్టణాలు కూడా పెరుగుతాయి। ఓ ప్లాట్ కొనాలన్నా పట్టణంలో పోయి లేకుండా వడపర్తిలో పోయి కొత్తగూడలో పోయి ప్లాట్ కొనాలన్నా కిస్తు కట్టాలన్నా 4 పైసలు ఆడితే చేతిలో సాధ్యం పెడతారు। అదే కరువు కట్టడాలు ఉన్నప్పుడు జరిగినాయా? జీవనగర నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఆత్మీయ సోదరులు శ్రీ ఆల వెంకటేశ్వరుడు గారు గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరులు శ్రీ
मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की नक्कासी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। यह प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्कद किया गया। मेयर ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हर इतवार को घर के अंदर और बाहर घर के हर फर्द को चाहिए कि वो 10 मिनट तक सफाई की सरगर्मियां अंजाम दे, ताकि हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहें। मेयर ने वाजे किया कि जीएचएमसी के तहत तमाम 4,846 कॉलोनियों में मच्छरों को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की गई हैं। मेयर ने बताया कि बल्दिया का एंटोमोलॉजी शोबा तमाम इलाकों में मच्छरों की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहा है। गंदे पानी में खुसूसन एंटी लार्वा कंट्रोल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर बी संतोष ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा, ताकि लार्वा पर काबू पाया जा सके। एडिशनल कमिश्नर संतोष ने बताया कि मुकामी अवामी नुमाइंदों, खानूसाज अरकान, खानूसाज कौंसिल के अरकान और कॉरपोरेटरों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यह कामयाब रहा। जीएचएमसी की जानिब से नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों पर खसूसी तवज्जो दी गई है। जीएचएमसी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के जरिए अमला और अहदेदार घर घर जाकर मौसमी वबाई अमराज के साथ साथ मच्छरों की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर जरूरी इकदाम कर रहे हैं। घरों के अंदर और दीगर इर्द गिर्द मच्छरों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। 10 हफ्तों तक हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए यह प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान घरों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बारे में शहरियों को आगाह करने के लिए अहम चौराहों या पुरहजुम इलाकों में घर घर जाकर किताबचे, स्टिकर्स और बैनर्स तकसीम किए जा रहे हैं। जीएचएमसी के तहत जुमला 4,846 कॉलोनियों का इहाता किया जाएगा। मुख्तस कॉलोनियों में मच्छरों से बचाव के इकदाम के साथ एंटी लार्वा ऑपरेशन, मच्छर कश धुएं को छोड़ने के इकदाम किए जाएंगे। घरों में मौजूद पानी के टैंक्स, एयर कूलर्स में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश हो सकती है, जिस पर तवज्जो दी जा रही है। नमस्ते, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు పరిశుభ్రత పాటిద్దాం. వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటుగా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు జీహెచ్ఎంసీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో లోతొట్టు స్లమ్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. జీహెచ్ఎంసీ ఎంటమాలజీ విభాగం ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల నివారణ నియంత్రణ కోసం సిబ్బంది అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆఖరిగా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కుటుంబ సమేతంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు మన ఇంటిని పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకుందాం. शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस हफ्ते की शाम उस वक्त हैरत ज़दा हो गई जब शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने खुद 100 नंबर को डायल करते हुए सूती आलूदगी की शिकायत की। कल शब तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ, जिसमें इलाके में जोर से म्यूजिक बजाए जाने की शिकायत की गई, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने शिकायत को फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस स्टेशन ने पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को इस सिलसिले में चौकस किया। बारजा मुकामी नाइट ऑफिसर ए रमेश जो वहां पहुंचे ने साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवाया। एक श्रीनिवास नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इब्तदा में शिकायत कुनिंदा को नहीं पहचाना था, हम बाद अज़ां ये पता चला कि ये फोन कॉल कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने किया था। जिले बिखराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के शिवारेडी पेट में इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब एक कार बाइक से टकरा गई।
इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और दो दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को विकाराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकल किया गया जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। महलूक की शिनाख्त विकाराबाद के रहने वाले तरुण के तौर पर की गई है। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जू में जंगली खूनरेज के इंक्लोजर में दाखिल कर इसको खौफजदा करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बाज नौजवानों को महंगा पड़ा क्योंकि पुलिस ने इन पांच नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इस वाक़ये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि यह नौजवान अचानक जंगली खंजीर की इंक्लोजर्स की दीवार फांद कर इसके अंदर घुस गए। ताहम गैर मुतवक्के तौर पर इस जंगली खंजीर ने उनमें से एक का पीछा किया और इस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ये नौजवान और दीगर नौजवान इंक्लोजर की दीवार से बाहर आ गए। बाद अज़ां उन नौजवानों ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया। ताहम कुछ देर बाद ही इसको हजफ कर लिया गया। जू के क्यूरेटर की शिकायत की बुनियाद पर इन पांच नौजवानों की निशानदेही करते हुए उनको हिरासत में ले लिया गया। हिंदुस्तान की बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता जिससे दौलत मुश्तरका खेल 2022 में हिंदुस्तान के तमगों की तादाद चार हो गई। 23 साला बिंदिया रानी ने 202 किलो वजन उठाकर अपने जुमरे में दूसरा मुकाम हासिल किया। उनके फौरन बाद मीराबाई ने 49 किलोग्राम में पहला मुकाम हासिल करके तलाई तमगा जीता। उन्होंने सबसे पहले स्नैच में 86 किलोग्राम में इनफरादी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कौमी रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम उठाकर नया कौमी और कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड कायम किया। बिंदिया रानी सिर्फ 1 किलो के फर्क से तलाई तमगा हासिल करने से महरूम रह गई जो नाइजीरिया के इदिजात ओलारियो ने के हिस्से में आया है। मेजबान इंग्लैंड के फेयर मोरो ने 109 किलोग्राम के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। बिंदिया रानी ने जीत के बाद कहा, यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं चांदी के तमगे और गेम्स के रिकॉर्ड को लेकर बहुत खुश हूं। चानू की तरह बिंदिया रानी भी मणिपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने 2019 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था जबकि 2001 के एडिशन में चांदी का तमगा हासिल किया था। इससे कबल मीराबाई चानू गोल्ड, संकीत सरगर सिल्वर और गुरु राजा पुजारी कांसी हिंदुस्तानी के लिए तमगे जीत चुके हैं। हिंदुस्तान के चार तमगे वेट लिफ्टिंग में आए हैं। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को बिंदिया रानी देवी को बरतानिया के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ट्वीट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा जीतने के लिए बिंदिया रानी देवी को मुबारकबाद। आपने खेलों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हर हिंदुस्तानी आपकी कामयाबी की खुशी में शरीक हैं। बिंदिया रानी देवी ने बरतानिया के बर्मिंघम में मुनक्कदा कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के 55 किलोग्राम जुमरे में 202 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर बिंदिया रानी देवी को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करते हुए कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में चांदी का तमगा जीतने के लिए बिंदिया रानी देवी को मुबारकबाद। ये कामयाबी उनके आजम का मुजाहरा है और इससे हर हिंदुस्तान को बहुत खुशी है। मैं उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। बिंदिया रानी देवी ने बरतानिया के बर्मिंघम में मुनक्कदा कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के 55 किलोग्राम जुमरे में 202 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा जीता।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि पूरी दुनिया में आयुष मसनूआत की मांग मुसलसल बढ़ रही है और इसके बरामदात में इजाफा हुआ है। इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना प्रोग्राम मन की बात के 91वें एडिशन में हम वतनों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में आयुष मसनूआत की दिलचस्पी देखी गई है। कोरोना के खिलाफ बाशिंदगान वतन की लड़ाई अभी जारी है, पूरी दुनिया आज भी जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि मजमूई सेहत की देखभाल में लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी ने वबाई मर्ज से निमटने में हर एक को बहुत मदद फराहम की है। इसमें हिंदुस्तानी रिवायती तरीकेकार आमद हैं। मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो आलमी सतह पर एक अहम किरदार अदा किया है। दुनिया भर में आयुर्वेद और हिंदुस्तानी अद्वियात की तरह कशिश बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आयुष की बरामदात में रिकॉर्ड तेजी आई है और इस मैदान में बहुत से नए स्टार्टअप सामने रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हाल ही में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का इनेकाद किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई अब भी जारी है। पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। होलिस्टिक हेल्थ केयर में लोगों की बढ़ती रुचि ने इसमें सभी की बहुत मदद की है। हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतीय पारंपरिक पद्धतियां कितनी उपयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात यह हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही है। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को देसी साख्ता खिलौनों को तरजीह देने पर जोर देते हुए कहा कि रिवायती हिंदुस्तानी खिलौनों की बरामद में इजाफा हो रहा है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 91वें एडिशन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान खिलौनों की बरामदात में पावर हाउस बनने की पूरी सलाहियत रखता है। हिंदुस्तान के मुकामी खिलौने रिवायत और फितरत दोनों से हम आहंग है और माहौल दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान कारोबारियों और स्टार्टअप की बदौलत हिंदुस्तानी खिलौनों की गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बैरून मुल्क से आने वाले खिलौनों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरान की एक टीम इतवार की सुबह मुंबई के मुजाफती इलाके भंडूप में शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत के घर पहुंची। जरा ने बताया कि ईडी के समन को नजरअंदाज करने और पूछगुछ के लिए रावत के दफ्तर न पहुंचने पर आज सुबह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अफसरान के साथ मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के अफसरान की एक टीम आज सुबह शिवसेना लीडर के घर पहुंची। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की जांच कर रही है, जिसमें रावत और उनके खानदान के कुछ दीगर अफराद पात्राचाल केस में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर रावत के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और किसी बाहरी शख्स को इहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इतवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दौरे पर आए वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और जिले की तरक्की और दीगर मसाइल से मुतालिक एक मेमोरेंडम पेश किया।
जलील ने शिंडेको मेमोरेंडम में औरंगाबाद जिले की हमा जो है तरक्की आम लोगों की जरूरियात को तरजीह देने और राय आमा की बुनियाद पर मुनासिब फैसले करने के साथ साथ देही इलाकों में किसानों गरीब मरीजों और खिलाड़ियों और सड़कों के लिए खसूसी पैकेज की बुनियाद पर मुनासिब फैसला करने की दरख्वास्त की। उन्होंने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का मामला भी उठाया और कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का एहतराम करते हैं, लेकिन हुक्मरान पार्टी ने गैर आइनी फैसला किया जो काबिल कबूल नहीं है। मुख्यमंत्री साहेबांच्या ऑफिस कडून आम्हाला मेसेज आला होता की आपण एकदा चर्चा करा आणि प्रशासनचे अधिकारी पोलीस यांनीही आम्हाला विनंती केली होती की ते ठराव आता महाराष्ट्र सरकारने पास केलेला आहे। त्यांच्यासोबत चर्चा केली, आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांसोबत चर्चा केली, त्यांना एक करू शकतो ज्याप्रमाणे मागच्या 20 वर्षापूर्वी जे ठराव पास करण्यात आले होतं त्या सरकारने जेव्हा सरकारने ते विड्रॉ पण केलं होतं तर तसाही करता येईल, कारण औरंगाबादकरांची ही भावना आहे की औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्यात नाही यावं। औरंगाबाद जे नाव आहे त्याला एक ऐतिहासिक महत्व आहे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे, सर्व जगामध्ये ते जगप्रसिद्ध आहे, म्हणून त्याच्या नावाचा फक्त आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी हे जे करत आहे ते। बिहार के पटना समेत कई अजला में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक पटना में जलजले की शिदत रिक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। इतवार की सुबह 7:58 पर चंद सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए। इस जलजले का मरकज नेपाल से 3 किलोमीटर दूर डकटल में बताया जा रहा है। जलजले का असर मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा नेपाल और चीन में भी था। बिहार में कटिहार, किशनगंज एरिया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, बेगूसराय, मधुबनी, मशरकी चंपारण, लखीसराय और मुंगेर समेत कई अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम इस दौरान रियासत के किसी भी हिस्से से जानो माल के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पीडीपी लीडर और डीडी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज कारमुला, दुरमगंड और बाकी इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूर से मुलाकात की। इस दौरान मौसूफ ने कहा कि कारमुला इलाके की सड़क पर कई रोज बाद तामीराती काम शुरू हो रहा है जिससे मुकामी लोगों को सहूलत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और उनके मसाइल पर उन्हें नजर है। दौरे के दौरान सिंह के हमरा पीडीपी लीडर मंजूर गनाई भी मौजूद थे। मैं आपको बशारत साहब यकीन से कहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी त्राल है जिसमें आप मंजूर साहब भी हैं, मैं भी हूं, जितनी इन 2 सालों में मेहनत करके गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन, हमने कुछ नहीं दिया, हमने इन्हीं का पैसा यूटिलाइज किया, इन्हीं के रिसोर्सेज को प्रॉपरली लगाया। मैं कहूंगा मैंने कुछ जेब से दिया, जो मेरे पास है वो सारा इनका है, क्योंकि अगर मैं देखूं ये जो त्राल इलाके में ये बटनूर है, हैरगाम है, ये किजपाड़ी है, बसमय है, कारामुला है, बटनूर का नीचा इलाका है, गुजरात है, खाशड़ी है या नाड़ है, यही मेरा मेका है, इन्हीं लोगों ने मुझे जताया है। और सबसे बड़ी बात आपको बोलूं, जो हिस्टोरिकल बात आप लोगों को भी होनी, 47 से आज तक खाशड़ी को कभी गाड़ी नहीं गई है, आप जाके देखो आज गाड़ी जा रही है, वो रोड मैंने तैयार किया है। नाड़ को हमने शुरुआत की है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, ये किजपाड़ी वाला इलाका है इधर करेंगे। यहाँ मैडम मैं शुक्रगुजार हूँ पीएमजीएस का भी, आरएनबी का भी, दोनों डिपार्टमेंटों का, जिन्होंने वार फुटिंग बेसिस पे रातों रात ये जो आप इस वक्त देख रहे हो ये जो सारे खड़े बड़े हैं रातों रात इसमें पैचिंग की और 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ मैगडम शुरू हो रहा है। मैंने आवाम को बोला, ये सारे लोग मेरे साथ हैं, ये हमारे सारे सारे वोटर हैं, ये ग्राम सभा में भी आते हैं और सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी यहाँ के लोगों की, जो ट्राइबल एरिया पहाड़ी एरिया है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, लेकिन हम सिर्फ इनको उसी तक ना रखें कि हम सिर्फ इनको इवेंट्स के लिए बुलाएं और वो बुलाएं, इनके साथ इस्तेसाल भी है, काफी देर से हुआ है जिसकी बात करते हो, आज तक इनका रोड मैं आपको।
जनूबी कश्मीर के सेमवातराल इलाके में सिख फिरके के नौजवानों ने आज एक मजहबी प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले सिखों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर अखंड पाठ और कीर्तन में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में लोगों के लिए एक लंगर का भी इंतजाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए मुकामी शहरी जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस प्रोग्राम का इनेकाद मुकामी तालीम याफ्ता नौजवानों ने किया था। उन्होंने नौजवानों की कोशिशों की जबरदस्त अल्फाज में सराहना की है। कोरोना काल में हुआ है, भारत के टॉय जम्मू कश्मीर के शुमाली जिले बारहमुला के बनर गांव में रात भर जारी रहने वाली झड़प में लश्कर ए तैयबा का एक मुकामी जंगजू मारा गया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि शुमाली जिले बारहमुला के बनर इलाके में जंगजुओं के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते की शाम इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे से पाकर जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर सही की, ताहम हिफाजती अमले की कारकर्दगी हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इसी तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। उनके मुताबिक रात भर जारी रहने वाली झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम की जगह जंगजों की लाश बरामद की, जिसके बाद में शिनाख्त इरशाद हमद भट्ट साकिन पचन के बतौर हुए हैं। न्यूयॉर्क रियासत के गवर्नर के थी हो चोल ने अमेरिका में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इमरजेंसी का ऐलान किया है। एक बयान में होचोर ने कहा कि इस वबा से निपटने की कोशिशों को मजीद तकवीत देने के लिए रियासत में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान करती हूं। न्यूयॉर्क में मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। जुमा तक इसके इन्फेक्शन के 1383 केसेस दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मंकी पॉक्स के 4 में से एक केस न्यूयॉर्क से है और हमें इससे निपटने के लिए हर तरह की कोशिश करनी होगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेशकर्दा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। किसानों की खुशहाली में ही मुल्क व रियासत की तरक्की मुजमिन। मोदी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा। मार्केट यार्ड कमेटी की अलबरदारी तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम का किया आगाज। मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लेने की शहरियों से की ख्वाहिश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने सूती आलूदगी की खुद 100 नंबर डायल करके की शिकायत। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ किया मामला दर्ज। हिंदुस्तान की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने दौलत मुश्तरका खेलों में जीता चांदी का तमखा। सदर जमहूरिया मरमू वजीर आजम मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में चांदी का तमखा जीतने पर दी मुबारकबाद। दुनिया में आयुष मसनूआत की मांग बढ़ रही है। हिंदुस्तानी खिलौनों की बरामदात में इजाफा हो रहा है। महाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। ईडी के एहलकार पहुंचे संजय रावत के घर। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की कर रही है जांच। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत का फैसला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।